सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बहुत दिनों से ब्लैकस्टार 2 को लेकर बात कर रहा था, तो फाइनली ब्लैकस्टार 2 आ रहा है इंडिया में। इसका टीजर फेज भी आ गया है फ्लिपकार्ट में, 27 तारीख को लॉन्च होने वाला है। इसमें जो प्रोसेसर रहेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855, 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल मेमोरी, लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आएगा। ये एक गेमिंग फोन है और जो लोग गेमिंग करना बहुत ही पसंद करते हो उसके लिए ये फोन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं आज के टेक न्यूज में और क्या क्या है। दोस्तों रेडमी K20 को लेकर बहुत सारी बात हुआ है, बहुत सारे लीक्स भी आ गए और कुछ दिन है इसको लॉन्च होने में, और इसका प्राइस जो था ये कुछ बाहर आ गया और इसका जो स्पेसिफिकेशन होगा ये भी कुछ बाहर आ गया है। इसका ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसका जो मेमोरी होगा वो 3 वेरिएंट में आएगा। एक आएगा 6 GB 64 GB, एक आएगा 6 GB 128 GB और एक आएगा 8 GB 128 GB का। इसका प्राइस कुछ शुरू होगा 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में, ये तीनों का प्राइस रहेगा। तो अभी तक जो जो लोग फ़ोन लेने के लिए जा रहे थे कि हाँ रेड में अच्छा फ़ोन लूँगा, तो वेट कर लो और कुछ दिन उसके बाद रेडमी के K20 और K20 Pro आ जाएगा, उसके बाद ले लेना। क्योंकि वीवो ओप्पो का इसी रेंज में या दूसरा सैमसंग का भी इसी रेंज में जो फ़ोन आया है उससे बहुत अच्छा है ये फ़ोन, क्योंकि इसमें 855 प्रोसेसर है, पॉप आउट कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, एमोलेड डिस्प्ले भी आएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा, 4000mAh बैटरी भी रहेगा, यानी कि बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आने वाला है। और जो प्राइस आ रहा है वो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस आ रहा है और ये कुछ आपके वैल्यू फॉर मनी फोन ही होगा। और लगता है इसके डिटेल्स देखकर पोको F2 जो आएगा इसी का वेरिएंट जो इंडिया में आएगा वो पोको F2। दोस्तों आपको तो मालूम होगा वावे को बैन कर रहा है गूगल, क्योंकि गूगल वावे जो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो काम सही नहीं है, क्योंकि किसी का भी तथ्य दूसरा देश को भेजना एकदम सही बात नहीं है। क्योंकि हम जब भी कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करते तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट रहता है, हमारा कोई भी डिटेल्स किसी भी जगह नहीं जाएगा। मगर वावे क्या करता है, उसका जो फ़ोन जो भी वावे का या ऑनर का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसका जो डिटेल्स रहता है, पर्सनल डिटेल्स रहता है, वो चाइना गवर्नमेंट को दे देता है। और इसी के कारण वावे को टोटली यूनाइटेड स्टेट में बैन कर दिया है और यूनाइटेड स्टेट में टोटली अनाउंस कर दिया है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी वावे को सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ को देकर, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। इसी कारण गूगल भी उसको बैन कर रहा है, यानी कि गूगल के कोई भी अपडेट वावे के फ़ोन पे और नहीं आएगा। मगर 90 डेज के लिए कुछ उसको राहत मिला है, क्योंकि 90 डेज उसको टाइम दिया है। अगर वो सही प्रूफ कर पाए खुद को हाँ कि उसके फोन कंपनी कोई भी डिटेल्स चाइना गवर्नमेंट को नहीं देता है, ऐसा कुछ अगर होता है तो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। और दूसरा वावे भी अनाउंस कर दिया है कि हाँ उसका खुद का एक OS आएगा कुछ 2020 के फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में, यानी कि वावे खुद का जो OS लाएगा उसके ऊपर आएगा। मगर ये जो 90 डेज चला जाने के बाद वावे का क्या होगा ये देखने का चीज़ है। आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा, वावे के फ़ोन में गूगल और भी कुछ दिन क्या अपडेट देगा या 90 डेज बाद गूगल टोटली उसको सपोर्ट करना बंद कर देगा? कमेंट में जाके आप दे देना क्या होगा इसके जवाब। 27 मई को लॉन्च होने वाला है ब्लैकस्टार 2 और 28 मई को लॉन्च होने वाला है ओप्पो रेनो, ये भी फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में भी आएगा। क्योंकि देखा जाए एक चीज़ आप फॉलो करके देख सकते हो कि अब जब भी कोई भी अच्छा फ़ोन आता है वो ज़्यादातर फ्लिपकार्ट में आता है, अमेजोन में कुछ गिने चुने प्रोडक्ट ही आता है, जैसे वन प्लस का आता है, सैमसंग के कुछ सीरीज आता है, अगर वावे का कुछ आया तो आता है। मगर जितना भी नया कुछ कंपनी है या आप कहो रेडमी रियलमी वीवो ओप्पो कोई भी हो, अच्छे क्वालिटी का कुछ भी चीज़ लाता है तो पहले हमको देखना हम देखते हैं क्या वो आता है फ्लिपकार्ट में। जैसे ब्लैकस्टार 2 ये भी आ रहा है फ्लिपकार्ट में, ऑनर का जो 20 सीरीज आ रहा है वो भी आ रहा है फ्लिपकार्ट में, ऐसा बहुत से कंपनी के फ़ोन जो नया जो लॉन्च हो रहा है वो ज़्यादातर फ्लिपकार्ट में आ रहा है। यानी कि आपको कुछ ज़्यादा वेरिएंट अगर देखना है कंपनी का, अच्छा अच्छा फ़ोन अगर देखना है, वो आप ज़्यादातर आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। तो जब भी
दोस्तों कुछ ही दिन पहले आपने देखा था सैमसंग का फोल्ड आया था, उसके साथ क्या प्रॉब्लम आया था। कुछ यूट्यूबर के पास उसके कुछ डिवाइस भी आया था, मगर बहुत ही प्रॉब्लम था उसके डिस्प्ले को लेकर, बहुत से बग्स आ गए उस फोन में, जिस कारण ये फोन कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है सैमसंग। उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो फोन लाने वाला है। मगर सैमसंग के तरफ से दूसरा एक न्यूज आ रहा है, वो भी फोल्ड के लिए। सैमसंग ने और एक पेटेंट लिस्ट कर लिया है। जो पेटेंट आ गए उसका, जो पहले का जो फोल्डेबल फोन था वो क्या था, सैमसंग फोल्ड, वो सामने से यानी कि अंदर डिस्प्ले मुड़ा हुआ है। अभी का जो पेटेंट आया है वो क्या है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। यानी कि सैमसंग का और भी एक फोल्डेबल फोन बहुत ही जल्दी आने वाला है, कुछ 6 या 7 महीने के बाद ही आएगा लगता है। क्योंकि इस फोन में जो पहले जो फोन आया था सैमसंग फोल्ड, उसको मार्केट में पहले वो लाएगा, उसके जो प्रॉब्लम था उसको भी ठीक करेगा, उसके बाद ये फोन भी लाएगा। यानी कि सैमसंग फोल्डेबल फ़ोन के ऊपर और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके पैटर्न जब बाहर आ गया तो फ़ोन भी लगता है बहुत जल्दी। दोस्तों अभी तक का न्यूज़ अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, जो नया दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों चले आते हैं उसके बाद जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है पिक्सल को लेकर। पिक्सल के, गूगल पिक्सल का एक नया फ़ोन आ रहा है, उसमें कुछ भी बटन नहीं रहेगा, यानी फिजिकल कुछ भी बटन उस फ़ोन पे आपको देखने का नहीं मिलेगा। यानी कि उसका जो फ़ोन आएगा उसका जो बटन रहेगा, लगता है डिस्प्ले के अंदर कुछ रहेगा, मगर बाहर में फिजिकल जो बटन रहते, साउंड बटन हो या दूसरे ऑन ऑफ डिस्प्ले का हो, ऐसा कुछ भी होगा, लगता है ये कुछ भी नहीं रहेगा। यानी कि बॉटम लेस एक फ़ोन बहुत ही जल्दी लाने वाला है गूगल पिक्सल। दोस्तों हम लोगों को पता ही है कि रेडमी और रियलमी का कितना वॉर चल रहा है, यानी कि उसके जो फ़ोन को लेकर रियलमी एक फ़ोन ला रहा है तो रेडमी के उसके अगेंस्ट एक फ़ोन ला रहा है, और प्राइस कट भी बहुत ही हो रहा है। इसी को लेकर जो दूसरा जो कंपनी है वो भी बहुत प्रेशर में आ गया है, जैसे वीवो ओप्पो। वीवो का कुछ फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड रहता है, जैसे वीवो V15 आया था, उसका क्या कुछ कीमत था 24,000, उसके परमानेंटली 2,000 काट गया था, उसके बाद 22,000 में कुछ दिन था, अभी उसके बाद भी 2,000 कम किया था 20,000 में, अभी उसके जो प्राइस आ रहे हैं कुछ 19,000 या 18,000 के अंदर ही लगता है आएगा। मतलब वीवो V15 का जो कीमत था वो बहुत ही घट गया, और वीवो Y70 जो था उसके भी कीमत कुछ ज़्यादा ही था, कुछ 18,000 के ऊपर था। नॉर्मली उसका ज़्यादा स्पेसिफिकेशन भी नहीं, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा नहीं है, वो मगर उसका कीमत कुछ 18,000 के ऊपर था, तो उसी का भी प्राइस कट हो गया और वो चला आया है 15,000 में, 15,999 में, यानी कि 16,000 के अंदर चला है। मगर अभी भी लगता है ये फ़ोन 16,000 की कीमत में आना नहीं चाहिए, क्योंकि 16,000 भी इस प्राइस, ये जो इसका स्पेसिफिकेशन है इसके ऊपर ज़्यादा ही होता है, तो ये अगर 13,000 या 14,000 में आता है तो भी लगता है ठीक ठाक होगा, मगर 16,000 अभी तक ठीक नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं वीवो और ओप्पो उसके फ़ोन का भी प्राइस कितना कट करता है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए टेक न्यूज़ इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।